नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला उजागर, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। विश्व बेघर दिवस पर निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर मनपा के समाज कल्याण विभाग ने किया आयोजित। और नागपुर के यादव नगर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा का हुआ अनावरण, बौद्ध धर्म गुरु भदंत नागार्जुन ससाई ने किया अनावरण। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के MIDC पुलिस थाना अंतर्गत नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म होने की वारदात सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर दुष्कर्म समेत पीटा और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। MIDC पुलिस थाना अंतर्गत ईशासनी परिसर के माधव नगर में गुरुवार रात में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक नाबालिग पर सामूहिक दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार MIDC पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग पीड़िता अपने दोस्त के साथ गार्डन घूमने गई थी, इसी बीच अज्ञात आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और नाबालिग पर सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता ने खुद पुलिस थाने में घटना की शिकायत की। इस पर सख्त कदम उठाते हुए पुलिस ने भी मामले की जाँच की और पूछताछ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि नाबालिग पीड़िता के ही दोस्त ने आरोपियों से पीड़िता के साथ संबंध बनाने के लिए पैसे लिए थे। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आरोपियों पर पुलिस ने पीटा एक्ट, पोक्सो एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। MIDC पुलिस स्टेशन में कल रात में एक खबर आई, जिसमें एक अल्पवयीन लड़की ने और उसके साथीदार ने पहले ऐसी जानकारी दी कि उसके साथ वो मित्र के साथ ईशासनी भाग में रात में काम को जाने के पहले वो उसके दोस्त के साथ गई थी, तो वहाँ पर कुछ 3 लोग आए थे और उन्होंने उसके दोस्त को मारकर भगा दिया और उसके साथ फिर ज़बरदस्ती उसका बलात्कार किया। इस तरह की फिरियाद प्राप्त होने के बाद पुलिस स्टेशन ने उस अल्पवयीन लड़की को तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा और बाकी पूछताछ करके उस लड़के से और बाकी लड़की के जो आसपास के उसके घर पर और एरिया में जानकारी ली। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला कि ये जो 3 लड़के थे और लड़की का जो ये सो कॉल्ड जो मित्र था, इसने कुछ लड़कों के पास से पैसा लेकर इस जो मित्र लड़की है उसके साथ शारीरिक संभोग करने के लिए उद्योग किया और पैसे लिया है। और ऐसी घटना पिछले 2 दिन से वो कर रहा है, अलग अलग लड़कों के साथ पैसा लेकर उसके साथ ये कार्रवाई किया है। और कल भी रात में एक जगह पर कुछ मित्रों को उसने बुलाया था लड़की के साथ संभोग करने के लिए, और जब वो वहाँ पर आए थे तो उसके पहले कोई और अज्ञात 3 लोगों ने इनको मारकर इनसे पैसा छीन लिया और लड़की के साथ ज़बरदस्ती किया, ऐसी घटना आई है। अभी इसमें जो नाम निष्पन्न हुए हैं उनमें से आरोपी जो है 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और बाकी 3 लोगों की तलाश जारी है। विश्व बेघर दिवस के उपलक्ष्य में नागपुर मनपा के समाज कल्याण विभाग द्वारा बेघर सड़क पर रहने वालों के लिए निशुल्क नेत्र जांच और क्षय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का लाभ बड़ी संख्या में जरूरतमंदों ने लिया। नागपुर शहर में जिनके पास घर नहीं, ऐसे सैकड़ों बेघर हमें दिखते हैं। यह लोग भी शहर का ही एक हिस्सा है। ऐसे बेघरों की परिस्थिति देखते हुए महानगर पालिका के समाज विकास विभाग ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत शहर में 6 जगहों पर बेघर आश्रय शुरू किया है। खुले में रहने वाले लोगों को बेघर आश्रय केंद्र से बड़ा आधार मिला है।
उन्हें आश्रय गृह में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विश्व बेघर दिवस के उपलक्ष्य में मनपा अतिरिक्त आयुक्त दीपक मीना और उपायुक्त राजेश भगत के मार्गदर्शन में उपजीविका अभियान व्यवस्थापक प्रमोद खोबरागड़े, विनय त्रिकुलवर, नूतन मोरे के सहकार्य से बेघरों के लिए निःशुल्क जाँच शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान मोतियाबिंदु व नेत्र जाँच, क्षयरोग जाँच कर दवाइयाँ वितरित की गई। उत्तर नागपुर के जय भीम चौक पर नागपुर मनपा द्वारा साथ ही मनपा के गट नेता जितेंद्र घोड़ेस्वार के विकास निधि से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पूर्णाकृति प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान बौद्ध धम्म गुरु भदंत नागार्जुन ससाई मुख्य रूप से उपस्थित थे। उत्तर नागपुर के जय भीम चौक पर पिछले 35 से 40 सालों से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा अधिकृत नहीं थी। इस जगह को मनपा गट नेता जितेंद्र घोड़ेस्वार ने अपने प्रयास से अधिकृत किया। कई वर्षों से यह कार्य प्रलंबित था और डॉक्टर बाबा साहेब की भव्य प्रतिमा बनाई। इसी प्रतिमा का शुक्रवार को बौद्ध धम्म गुरु भदंत नागार्जुन ससाई के हाथों अनावरण किया गया। नागपुर मनपा के सहकार्य से साथ ही मनपा गट नेता घोड़ेस्वार के विकास निधि के तहत बाबा साहब की प्रतिमा बनाई गई। शुक्रवार को आयोजित अनावरण कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान मनपा पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। शामिल है बहुत लोग का जन्म के गाथा से भजन से बहुत आनंदित हुआ। बहुत साल के बाद ऐसा उत्सव में भरपुर गुरेश्वर साहब का खान अभिनंदन करता। नागपुर महानगर पालिकेतर्फे आज इथे प्रभाग 6 मध्ये जय भीम चौक राणी दुर्गावती नगर इथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा बराच वर्षापासूनचं हे काम थांबलेलं होतं आणि आज त्याचं स्थापत्य नवीनीकरणाचा याचा आज लोकार्पण सोहळा इथे झालेला आहे। यामध्ये प्रामुख्याने उपस्थित इथले प्रमुख भंतेजी, इथले ज्येष्ठ नगरसेवक, आमचे स्टँडिंग चेअरमॅन। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के तहत रीच 2 पर तेजी से मेट्रो स्टेशनों का कार्य किया जा रहा है। ये कार्य इस साल दिसंबर तक पूरा किया जाएगा, जो कि नागपुर वासियों के लिए अच्छी खबर है। सीताबर्डी इंटरचेंज से ऑटोमोटिव चौक के मेट्रो स्टेशनों का काम तेजी से चल रहा है। ये मेट्रो मार्ग इस साल दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा। गड्डी गोदाम चौक स्टेशन पर काम 75% पूरा हो गया है। अन्य स्टेशनों का काम प्रगति पर है, जिसमें कड़बी चौक 70%, इंदौरा 50%, नारी रोड 85% और ऑटोमोटिव चौक का काम 92% पूरा हो चुका है। रीच 2 ये मेट्रो मार्ग 20 अगस्त से पहले ही आंशिक रूप से चालू है, जब 0 माइल फ्रीडम पार्क और कस्तूरचंद पार्क स्टेशनों का उद्घाटन किया गया था। ट्रेनें अब खापरी और कस्तूरचंद पार्क के बीच सीताबर्डी के रास्ते चलती हैं। रीच 2 नागपुर मेट्रो फेज 1 के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में से एक है। एक बार जब इस पर ट्रेनें चलने लगेगी तो उत्तर नागपुर में रहने वाले लोग कुछ ही मिनटों में शहर के अन्य हिस्सों तक पहुंच सकेंगे। मिहान, बुट्टी बोरी MIDC और हिंगना MIDC में काम करने वालों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा। यात्री खापरी स्टेशन तक मेट्रो से और फिर मिहान में अपनी कार्यालय जा सकते हैं या बुट्टी बोरी MIDC के लिए बस से सफर कर सकते हैं। इसी तरह हिंगना MIDC में काम करने वाले मेट्रो से लोकमान्य नगर स्टेशन तक यात्रा कर सकते हैं और फिर अपने कारखाने के लिए बस ले सकते हैं। हिंगना रोड पर बड़ी संख्या में शिक्षा संस्थान हैं। कामठी रोड इलाके में रहने वाले छात्र वहां पहुंचने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रीच से कामठी और कन्हान के अलावा आसपास के कस्बों के निवासियों को भी लाभ मिलेगा। वे ऑटोमोटिव चौक तक यात्रा कर सकते हैं और फिर आगे की यात्रा के लिए मेट्रो ले सकते हैं। जब नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी मिल जाएगी तो कन्हान नदी को ऑटोमोटिव चौक से जोड़ दिया जाएगा, जो कि सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अपनी प्रलंबित मांगों के लिए वर्धा जिले के पटवारियों ने गांधी चौक में आंदोलन किया। इस दौरान विदर्भ पटवारी संघ नागपुर के केंद्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण गाढ़वे व सरचिटनिस संजय अनवाने मुख्य रूप से उपस्थित थे। जिले के पटवारी वर्ग की शासन मान्य आर्थिक व सेवा विषयक प्रलंबित मांगों के लिए जनवरी 2021 में विदर्भ पटवारी संघ नागपुर जिला शाखा वर्धा द्वारा जिला प्रशासन के विरोध में आंदोलन किया था, लेकिन कोविड महामारी के चलते संघ द्वारा स्थगित किया आंदोलन फिर शुरू किया गया। इस आंदोलन के तहत जिले के पटवारी वर्ग ने
1 अक्टूबर को डिजिटल सिग्नेचर इकट्ठा कर शुक्रवार 8 अक्टूबर को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया। इस आंदोलन में विदर्भ पटवारी संघ नागपुर के केंद्रीय अध्यक्ष बालकृष्ण गाढ़वे और सरचिटनीस संजय अनवाने प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इसी आंदोलन के तहत 18 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन सामूहिक छुट्टी पर जाने का आंदोलन किया जाएगा। पटवारियों ने लैपटॉप प्रिंटर स्कैनर उपलब्ध किया जाए, हिंगनघाट के पटवारी केंद्र में रविंद्र जाधव पर हमला करने वालों को गिरफ्तार किया जाए, पदोन्नति साझा पुनर्रचना आदि मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की गई। विदर्भ पटवारी संघ नागपूर जिल्हा शाखा वर्धाच्या वतीने जिल्ह्यातील तलाठी सवर्गाच्या आर्थिक व सेवाविषयक प्रलंबित व नवनिर्मित मागण्यांकरिता जिल्हा शाखेने आंदोलन चालू केलेले आहे। त्या आंदोलनाचा एक निर्धारित टप्पा आज जिल्ह्यातील सर्व तलाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करीत आहे। या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही विदर्भ पटवारी संघाच्या वतीने प्रशासनाला एक इशारा देऊ इच्छितो की जर वर्धा जिल्ह्यातील तलाठ्यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक मागण्यांबाबत जिल्हा प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली नाही तर हे आंदोलन वर्धा जिल्ह्यापुरते मर्यादित न राहता या आंदोलनाची तीव्रता आणि व्यापकता ही विदर्भभर करण्यात येईल, तरी जिल्हा प्रशासनाने वेळीच दखल घ्यावी। बघतो चला एक ब्रेक का, मिळते एक छोटेसे ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवरात्रि के शुभ पर्व पर शुक्रवार 8 अक्टूबर को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं से परिपूर्ण अभ्युदय अस्पताल का उद्घाटन हुआ। अस्पताल का उद्घाटन राज्यसभा सांसद पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक गोपीचंद पडलकर, श्रीमंत भूषण सिंह राजे होलकर, मनपा जल प्रदाय विशेष समिति सभापति संदीप गवई की विशेष उपस्थिति रही। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाइल्स ने न जाने कितने लोगों को परेशान कर रखा है, तो आज हम उसी सिलसिले में प्रवीण सहावे से बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने आज ही अभ्युदय हॉस्पिटल का एक दूसरा ब्रांच नागपुर में लॉन्च किया है, जहां पर वे उसी से रिलेटेड और ढेर सारी बातें अपने पेशेंट्स को बताएंगे। ज़्यादातर ऐसे माना जाता है कि बदलती अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, अपने लाइफस्टाइल में ज़्यादातर चेंजेस आने की वजह से फास्ट फूड की तरफ लोग ज़्यादातर भागते हैं और इसी का कारण सीधे अपने शरीर पर पड़ता है। तो जानते हैं हम इसके कई सारे कारण और इससे बचने के उपाय सीधे अपने डॉक्टर से। अभी आपका ये सेकेंड ब्रांच का इनॉग्रेशन है, तो आपने यहाँ पर अपने पेशेंट्स के लिए और कौन सी सुविधाएं पाइल्स के साथ में और उपलब्ध कराई है, उसके बारे में हमें बताएं। अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में जो अभी द्वितीय शाखा का आज अनावरण हुआ है, इसमें हम लोगों ने पाइल्स के पेशेंट्स के लिए एडवांस लेजर ट्रीटमेंट है, एडवांस BIEM टेक्नोलॉजी जो ट्रीटमेंट है, जो कि मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट है, इन सब ट्रीटमेंट का हमने इंक्लूजन किया है। और साथ ही कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी ऐसा यूनिट है जिसके लिए पेशेंट को एडमिट होने की आवश्यकता नहीं, कोई एनेस्थीसिया की भी आवश्यकता नहीं होती। और ये ट्रीटमेंट उन महिलाओं के लिए है वो जिनकी नॉर्मल प्रेगनेंसी या नॉर्मल डिलीवरी हुई है और उनके बाद उनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम है या और गायनेकिक प्रॉब्लम्स है, उनके लिए कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का नया यूनिट अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल की एक नई ब्रांच में हमने इस्टेब्लिश किया है। और पिछले 12 साल से हम लोग ये हमारी सेवा दे रहे हैं। और ये दूसरी शाखा का जो अनावरण आज हुआ, इसलिए मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि समाज के प्रति हमको दूसरी सेवा की एक नई इनिंग स्टार्ट करने का मौका मिला। और अभ्युदय पाइल्स हॉस्पिटल में आयुर्वेद के साथ साथ एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट का भी इंक्लूजन और पूरा समावेश हमने किया है।
हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि पेशेंट्स को न जाने कितने तो भी इलाज के बावजूद भी उन्हें असर नहीं होता है उनकी दवाइयों का, तो आप उस चीज़ में उन्हें क्या रिकमेंड करेंगे? हर एक पाइल्स पेशेंट के लिए मेडिसिन ही ट्रीटमेंट नहीं है, या हर एक पाइल्स पेशेंट के लिए लेज़र ट्रीटमेंट ही ट्रीटमेंट नहीं है। सबसे पहले उस ट्रीटमेंट करने के पहले हमको उस पेशेंट का डायग्नोसिस करना पड़ता है, उसका निदान करते हैं। जैसे हमारे अभ्युदय पाइल्स लेज़र सेंटर में हम लोग वीडियो रेक्टोस्कोपी के माध्यम से इसका निदान करते हैं, और इस निदान के बाद जो पेशेंट का डायग्नोसिस है उसके अनुसार इनिशियल हमारा मोटो रहता है कि हम लोग आयुर्वेद मेडिसिन से ही उसका इलाज करें, जो कि हमारी स्वयं की रिसर्च मेडिसिन है, और इसके द्वारा हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर थर्ड और फोर्थ स्टेज के पेशेंट हैं तो उनको हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि लेज़र ट्रीटमेंट से लाइक उन्हें लाइफ टाइम के लिए पूरी तरह से आराम हो जाता है और आगे फिर कोई भी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस नहीं करनी पड़ती है। तो आप इस दौरान ऐसा होता है कि लोगों को पता नहीं होता है उन्हें कौन सा डाइट फॉलो करना है नहीं करना है, लोग अक्सर गैर जिम्मेदार हो जाते हैं अपने डाइट को लेकर, उनके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। एक्चुअली हमारा डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने लेज़र ट्रीटमेंट कर लिया और दूसरे दिन से नॉनवेज स्टार्ट कर दिया, स्पाइसी डाइट कर दिया, क्योंकि हम लोग नागपुर कर है और नागपुर के लोग खाने के बड़े शौकीन हैं, और मोस्टली हम लोग तो खाने के बहुत शौकीन हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को जो डाइट प्लान है वो फॉलो करना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट करने के बाद भी कुछ आयुर्वेद मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि हमने रिसर्च करके बनाई है पिछले 12 सालों से, तो वो पेशेंट को लिख के देते हैं और बताते हैं कि इसको आपको इस हिसाब से डाइट फॉलो करना है ताकि ये बीमारी एक बार ट्रीटमेंट करने के बाद फिर से ना हो। पर ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ट्रीटमेंट कर लिया और नेक्स्ट डे से आप स्पाइसी डाइट खाना शुरू करें तो डेफिनेटली रिकरेंस ऑफ बॉडी है, क्योंकि कोरोना ने हमको सिखा दिया कि बॉडी में क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो आहार ही हमारा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। इसके साथ आपको लगता है क्या लोगों को कोई फॉर्मल या वर्कआउट कुछ रूटीन फॉलो करना चाहिए या योगा के साथ कुछ और, या सिर्फ दवाइयों से भी सारा निराकार हो सकता है? नहीं, डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ में योगा प्राणायाम। जैसे कि जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, मैंने देखा है कि हमारे 90% पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन के होते हैं, यानी मलबद्धता के होते हैं। आजकल हमारा डाइट जो है, पहले हम लोग आउटसाइड फूड नहीं खाते थे, जो घर का खाना है वही खाते थे। आज हमारा आउटसाइड फूड खाने का चलन बढ़ गया है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या है तो ये बढ़ गई है। तो ये समस्या, ये आपका डाइट और मॉडिफिकेशन, रात में जागना, ये सब कम करना, साथ में आपको कुछ योगा प्राणायाम है। जैसे मैं हमारे निरंतर पेशेंट्स को बताते रहता हूँ कि योगा से आपका मैक्सिमम 60% कॉन्स्टिपेशन आप ठीक कर सकते हो। रहा 40% जो कॉन्स्टिपेशन है, इसके लिए हमने कुछ रिसर्च मेडिसिन बनाई है, उसका अगर आप सेवन करते हैं तो आपको इनिशियल स्टेज में ही आराम हो सकता है और आपके जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है वो ठीक हो सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस ज्ञान भरे बातों के लिए। तो आज हमने मुलाकात की प्रवीण सहावे से, जिनका आज ये सेकंड ब्रांच इनॉग्रेशन था अभ्युदय हॉस्पिटल में, पाइल्स हॉस्पिटल का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नवरात्रि के लिए हमारे व्यूअर्स को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को और सभी हमारे तमाम पेशेंट्स को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा। और इस नवरात्रि के 9 दिन उपवास करें। उपवास करने का मतलब ये नहीं कि हमारे सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को हैम्पर करें, हमारे मानसिक सिस्टम को भी हमको थोड़ा सा संतुलित करना जरूरी है। यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इन सभी का हमारे जीवन में समावेश होना, यही मुझे लगता है कि नवरात्रि की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और आने वाली नवरात्रि, इस साल भले ही हम गरबा ना खेल सके तो प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि आने वाली नवरात्रि हम धूमधाम से गरबा खेल के मनाएं, और सभी लोगों को पुनश्च एक बार नवरात्रि की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज हमने बात किया प्रवीण सहावे से, जहाँ पे हमने कई सारे कारण और उससे रिलेटेड उपाय भी हमने जाने हैं पाइल्स के माध्यम से। तो मैं शिवानी थोटे, कैमरामैन राजेश के साथ VKB न्यूज़ से, नमस्कार। खेती के विवाद में पिता और बेटे की पिटाई करने की घटना बुलढाणा जिले में सामने आई है। इस हमले में जख्मी दोनों का जिला सामान्य अस्पताल में इलाज शुरू है। लोनार तहसील के धाड़ में किसान पिता और बेटे को बेरहमी से पिटा गया। खेती के विवाद के चलते दोनों की पिटाई की गई। इस हमले में जख्मी दोनों को लोनार बुलढाणा जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया। किसान हरि वाकड़े ने 2 महीने पहले गजानन डोले से 2 एकड़ जमीन खरीदी थी। खेत में वाकड़े परिवार काम कर रहा था। इसी बीच गांव के सांगले परिवार के कुछ लोग खेत में आए और यह खेती क्यों खरीदी की, इस पर वाकड़े परिवार की लाठी से पिटाई की। इसमें 70 वर्षीय हरि वाकड़े, उनका बेटा 40 वर्षीय गजानन वाकड़े गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। उन्हें लोनार से इलाज के लिए बुलढाणा जिला सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया। इस घटना की लोनार पुलिस थाने में शिकायत की गई। एक एक दो हेल्पलाइन क्रमांक पर अब 10 मिनट में लोगों को पुलिस की मदद मिल पाएगी।
जनता की सुरक्षा के लिए बुढ़ाना पुलिस विभाग ने हाईटेक यंत्रणा शुरू की है, जिसके तहत जिले में 29 वाहन, 2 सुपरवाइजर, 16 डिस्पैचर और 490 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। 365 दिन जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर रहने वाले पुलिस विभाग द्वारा नागरिकों को अब जल्द और तुरंत मदद मिले, इसलिए बुढ़ाना पुलिस ने एक नई यंत्रणा शुरू की है। जनता की सेवा के लिए 100 इस हेल्पलाइन नंबर को पर्याय के रूप में 112 हेल्पलाइन नंबर कार्यान्वित किया गया है। एक यही नंबर संपूर्ण राज्य भर में कार्यान्वित रहेगा। 112 इस हेल्पलाइन नंबर पर किसी नागरिक ने संपर्क कर मदद मांगी तो उस कॉल को तुरंत ट्रेस कर 10 मिनट में उस तक मदद पहुंचाई जाएगी। बुढ़ाना जिले में 112 हेल्पलाइन नंबर की यंत्रणा कार्यान्वित की गई है और ये सब कुछ पुलिस नियंत्रण कक्ष के जरिए किया जाएगा। राज्य में मुंबई और नागपुर दो जगहों पर हेल्पलाइन नंबर के कॉल सेंटर रहेंगे। 112 नंबर पर कॉल करने पर वो कॉल जिस जिले का है उस जिले के नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाएगा और उन्हें मदद पहुंचाई जाएगी। यापूर्वी कोणीही कोणावरही कुठला प्रसंग आला किंवा त्याला मदतीची गरज असेल तर यापूर्वी नागरिक 100 या नंबरवर कॉल करायचे। या 100 या नंबरला ऑप्शन म्हणून आता आपण 112 या नंबरची सवय नागरिकांनी करून घेणं गरजेचं आहे। या नंबरवर जेवढ्या आवश्यक अशा सेवा आहेत त्या एका क्लिकवर नागरिकांना उपलब्ध होणार आहेत, हे याचं वैशिष्ट्य आहे। डिजिटल स्वरूपामध्ये आहे ही याचं काम करण्याची पद्धत जी अशी आहे की महाराष्ट्रभरामध्ये हा एकच नंबर पूर्ण राज्यासाठी काम करणार। राज्यामध्ये नवी मुंबई आणि नागपूर अशा दोन ठिकाणी कॉल सेंटर आहेत ह्या नंबरचे। कुठल्याही ठिकाणून गरजू व्यक्तीने कॉल केला असता तो नेमका कोणत्या घटकातला आहे, कुठल्या जिल्ह्यातला आहे, हा तिथे डायव्हर्ट करण्यात येईल कंट्रोल रूमकडनं आणि त्यानंतर जिल्ह्याला असलेले डिस्पॅचर हे पोलीस स्टेशनला किंवा ग्राउंड लेवलला जिथे जमीन पातळीवर मदतीची गरज आहे अशा ठिकाणी असलेल्या रिस्पॉन्डंटला डिस्पॅचर तो मेसेज सेंड करतील आणि अतिशय तात्काळ कमीत कमी वेळेत त्याला ती मदत तिथे उपलब्ध होऊ शकेल। आपल्या जिल्ह्यामध्ये अद्यापपर्यंत आम्ही रनिंग मोडमध्ये 29 वाहनं कार्यान्वित केलेली आहेत जी जिल्हाभर कार्य करत आहेत। त्यासाठी आपण 490 रिस्पॉन्डर्स जे ॲक्च्युअल फील्डवर काम करणार आहेत अशी लोक प्रशिक्षित करण्यात आलेले आहेत। 16 डिस्पॅचर व 2 सुपरवायझर सध्या कार्यान्वित आहेत। तिथे जनतेच्या मदतीसाठी हा नंबर कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे। अतिशय चांगली सुविधा आहे आणि मला विश्वास आहे की याच्यामुळे जो रिस्पॉन्डंट टाईम आहे, जो प्रतिसाद देण्याचा टाईम आहे तो कमी होणार आहे आणि जनतेचं पोलीस सिस्टमवर वाढणार विश्वास नक्कीच वाढणार आहे। नागपूर प्रादेशिक वन विभाग ने चंद्रपुर जिले के पडोली ऊर्जानगर में छापामार कार्रवाई कर बाघ के नवजात शावक के अंगों के साथ दो आरोपियों को हिरासत में लिया है। विभाग के अधिकारियों को बाघ शावक के अंगों की बिक्री होने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। इसी आधार पर चंद्रपुर जिले की सावली तहसील के चिजबोड़ी ग्राम निवासी लोमेश ढोबले तथा मसाला ग्राम निवासी कालिदास रायपुरे को हिरासत में लिया गया। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों आरोपियों ने मई 2021 के बीच सावली तहसील के चिजबोड़ी जंगल क्षेत्र से बाघ के शावक को गांव में लाकर उसकी क्रूरता से हत्या कर दी तथा उसके शरीर का जतन किया। इसके बाद इस मृत शावक की बिक्री हेतु कुछ लोगों से संपर्क किया गया। इन गतिविधियों पर नागपुर वन विभाग नजर रखे हुए था और मौका मिलते ही बुट्टीबोरी वन परिक्षेत्र में आरोपियों के मृत शावक के अंगों की बिक्री का व्यवहार करने की जानकारी मिली। लेकिन आरोपी कालिदास रायपुरे ने चंद्रपुर जिले के पडोली ग्राम में ही व्यवहार करने की शर्त रखी, इसलिए नागपुर प्रादेशिक वन विभाग के अधिकारियों ने चंद्रपुर वन विभाग के वन क्षेत्रपाल अरुण गादेवार को इस जांच मामले में शामिल कर दोनों आरोपियों को बाघ शावक के अंगों सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पांचवली थाना अंतर्गत लालगंज परिसर में स्थित मंजुश्री सहकारी पत संस्था मर्यादित के संचालकों ने सैकड़ों सदस्यों को चूना लगाकर संस्था के कार्यालय बंद कर दिए। पिछले 2 वर्षों से संस्था में पैसा जमा करने वाले गरीब लोग थाने के चक्कर काट रहे थे, लेकिन पांचवली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर आला अधिकारियों से शिकायत करने पर प्रकरण की जांच हुई। अब पुलिस ने संस्था के संचालकों और पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार आरोपियों में संस्था के अध्यक्ष विनोद कुंभारे, पूर्व अध्यक्ष भावराव पौनीकर, उपाध्यक्ष टीना मोहाड़ीकर, मैनेजर वामन मोहाड़ीकर, अकाउंटेंट दुर्गा धार्मिक और कैशियर प्रवीण सुनखाए सहित अन्य का समावेश है। संस्था द्वारा उत्तर नागपुर परिसर में कई एजेंट नियुक्त किए गए थे, जिनके माध्यम से लोगों को संस्था का सदस्य बनाकर रोज कमाकर खाने वाले छोटे दुकानदारों से पैसा निवेश करवाया है। वर्ष 2019 में अचानक संचालकों और पदाधिकारियों ने संस्था का कार्यालय बंद कर दिया। निवेशकों
बैंकों में खलबली मच गई। सभी अपनी जमा राशि मांगने के लिए आरोपियों से मिले। उन्हें रकम वापस करने का विश्वास दिलाया गया और टाल मटोल करते रहे। करीब एक वर्ष बीत जाने के बावजूद किसी को रकम वापस नहीं मिली। आखिर लोगों ने पांचपावली पुलिस से शिकायत की। पांचपावली पुलिस ने इसे दीवानी मामला बताते हुए लोगों को वापस भेज दिया। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण निवेशक महिलाओं ने पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी से शिकायत की। मतानी ने पांचपावली पुलिस को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। अब लगभग एक वर्ष बाद पांचपावली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और MPID एक्ट सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जाता है कि संस्था में करीब 300 निवेशकों का 70 लाख रुपए डूबा है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए BKB न्यूज के साथ। नमस्कार।